राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत करेला में 28 वर्षीय योगेश यादव की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने गांव के ही युवक डुमेश यादव को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह पार्किंग ठेकों को लेकर दोनों के बीच हो रही प्रतिस्पर्धा सामने आई है। दिनांक 21 फरवरी को ग्राम करेला में प्रार्थी रामचंद्र यादव के द्वारा सूचना दी गई कि सायं 7:30-8 बजे के आसपास जो है उसका पुत्र घर के पीछे में तालाब में चित अवस्था में पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को देकर जो है घटना स्थल के लिए थाने की टीम, चौकी की टीम और साइबर सेल की टीम जो है रवाना हुई। घटना स्थल का मुआयना किया गया, मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की गई और घटना से जुड़े हुए संदिग्धों की पता तलाश की गई। 3-4 दिन के इस पूरी वारदात में जो है पता चला कि गांव के ही डुमेश यादव के साथ जो है मृतक योगेश यादव का करेला भवानी मंदिर में पार्किंग को लेके पूर्व में विवाद हुआ था। इसी विवाद के कारण जो है आरोपी रंजिश रखता था और घटना दिनांक को मृतक योगेश यादव के पूरे दिनचर्या को नोट करते हुए उसने रात्रि को जैसे ही मौका मिला उसने कुल्हाड़ी से जो है आरोपी को मारकर हत्या कर दिया और कुल्हाड़ी को जो है उसी तालाब में फेंकना बताया। घटना स्थल में डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से तालाब में फेंके कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया है। मेमोरेंडम में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है और इस तरह आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय रिमांड में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।